जगन्नाथ आपण मानक प्रिय कार्यक्रम प्रार्थना प्रभातर ये सात्विक सुंदर अनन्य आसर को मु शरण नाना मो संगे मो चरण नाना दुई नाना मिलमिशी आपण मानक स्वागत करुचु। दर्शक बंधु प्रति प्रभातर आपण मैंने आम को अपेक्षा करें आपण मान उभय मिसीगला आसर आहुरी जमी जाए आम सहित था बहु बरेण्य प्रतिभा आज अध्याय आम सहित ओडिशार बहु प्रथित दशा प्रतिभा आम गहन अच्छा विशिष्ट कंठशिल्पी सौरभ नायक आउ प्रियंका आज दिन कौन आज तिथिर वैशिष्ट्य कौन स्वतंत्रता कौन ए विषय आपण मान निकट में कथा रखा अच्छा विशिष्ट गवेषक सुलेखक सुवक्ता डॉक्टर निरंजन साहू महोदय आ संस्कार कार्यक्रम मध्यम आपण व्यक्ति जीवन पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक जीवन को सुवर्ण सम विशुद्ध करने जहाँ प्रयास और प्रचेषा आम संस्कार मध्यम जारी रही जनक आउ कई नुंति पंडित वीरेन्द्र पंडा महाभाग आम गहणे अच्छा वाद्यजंत्र साज्य कर परमानंद साहू तबलार अच्छा विभु प्रसाद नंद नना आउ डेरी कर चाहती लोके आम चौपदी आरंभ हो बोला 28 तारीख आज फेब्रुवारी मास आज तो मंगलवार मास हेला शेष तिथि टी शुक्ल नवमी चली फाल्गुन ए मासर जलवायु किणिनिए मन नना किणिनिए मन नना गरम बेसी हेइनी ना शीत भी पूरा पूरी जाइनी ना मझि मझिया अवस्था आकु कहती नाती शीतोष्ण अवस्था हाँ ना अति शीत अच्छी ना अति उष्णता अच्छी आपर तो बापाल बोल डाक खरार नना आज्ञा आज हूँ फेब्रुवारी मस 28 तारीख फाल्गुन मस शुक्ल पक्ष नवमी तिथि बार हूँ मंगलवार आज दिन वैशिष्ट्य एवं संस्कार कथा तो आप निश्चय शुणी किंतु आग ये सकालटा को संगीतमय करदे गोटे भावपूर्ण भजन रे दी दी जन कंठशिल्पी आम सांगे रे आम गहल अच्छा सौरभ नायक तांक कंठरु गोटे भावर भजन आरंभ हो आरंभ हो आज्ञा माटी की मोती पानी की पणा करे जिए मन जानी रे से परम श्रीक्षेत्र मणि रे से परम श्रीक्षेत्र मणि रंक को राजा दासी को राणी रंक को राजा दासी को राणी भाग्य दिए जी आनी रे से परम श्रीक्षेत्र मणि रे से परम श्रीक्षेत्र मणि ता चरण तले नीचि शरण दुख जात नाम करिब हरण खंडुआ पाटरे पोछि दब से तो आखिरु झरिले पाणी से परम श्रीक्षेत्र मणि रे से परम श्रीक्षेत्र मणि से परम श्रीक्षेत्र मणि रे से परम श्रीक्षेत्र मणि भसा मेघ पवन सी जुआड़े भसाए भासी मु जाए मु भसा मेघ पवन सी जुआड़े भसाए भासी मु जाए बाट भूली गले बाट को आनी भाव अभाव रे अभय बुणी मो पाप पुण्यर हिसाब रखई कड़ा गंडा गणी गणी से परम श्रीक्षेत्र मणि रे से परम श्रीक्षेत्र मणि से परम श्रीक्षेत्र मणि रे से परम श्रीक्षेत्र मणि मागी नाही दे छी सी
मन जानी आऊ दबरे किए मो मागी नहीं देछी सिए मन जानी आऊ दबरे किए हृदय रे देला भक्ति भाव सबु अनुकूल होची शुभ मो भाग्य उपरे पथर पड़िले पथर को करे पानी से पराम श्रीक्षेत्र मणि रे से पराम श्रीक्षेत्र मणि माटी की मोती पानी की पणा करे जिए मन जानी रे से पराम श्रीक्षेत्र मणि रे से पराम श्रीक्षेत्र मणि से पराम श्रीक्षेत्र मणि रे से पराम श्रीक्षेत्र मणि जा हो बढ़िया लगला भावर गीत टी नना माटी को जिए मोती करे पानी की जिए पणा करे सी हेले श्रीक्षेत्र मणि कोटी ओडिया मऊड़ मणि कोटी कैवल्यनाथ महाप्रभु जगन्नाथ आज्ञा सौरभ नायक कंठरु भावपूर्ण भजन शुणिले दुनिया रे पाप अच्छी अनुताप मध्य अच्छी कहा जानते पाप हो जाए कहा अजाणतरे भी से पापकर्म संपादित करुए तेरे प्रति पापाई प्रायश्चित अच्छी ये प्रायश्चितर सतरे कौन आवश्यकता अच्छी प्रायश्चित कौन बदलई पारे जीवन दिग प्रायश्चित कौन आपण को तैयारी अशुद्ध मनुष्य गोटे शुद्ध मनुष्य भाव आज संस्कार शुणा प्रायश्चित विषय प्रायश्चित शब्द को आम उच्चारण कले मन को आसे पूर्वर गोटे भूल करते से भूल रु जमी मार्जन हो सर आम बर्तमान नुआ कम करने जो चिंतन करूँ भावु प्रायश्चित हो जातु भल बुझु आज्ञा प्रायश्चित शब्दर अर्थ जहाँ शाब्दिक अर्थ प्रउपसर्ग चिति संतान धातु प्रायश्चित हो प्रकृत भाव चित्तवृत्ति को सही भूल काम पाई आउ द्वितीय थर के प्रेरित न करवा हूँ प्रायश्चित आ धन्य आम भाषा जो भूल मुझे से भूल आउ द्वितीय थर के हम ना दृढ़ संकल्प एवं बारंबार बारंबार प्रतिज्ञाबद्ध हवा को प्रायश्चित कर प्रायश्चित मान नुए करमु मुक्त हो जावा कर्मरु के मुक्त हेनी परमात्मा एत सुंदर भाव कर्मर व्यवस्था करोट पाटे जदि भी निरे हाथ पुरेब ता हाथ फुटुका हम कहीं निरे दाहिका शक्ति प्रभु दे छाड़ी ना आज्ञा केवल प्रायश्चित अनुताप ये दुईटी कथा आम जो शब्द उच्चारण करू भविष्य से कर्म के नक ए संकल्पबद्ध हवा अनु मान पक्षरे ताप मान दुखित हवा जड़तु सम्माननीय व्यक्ति असम्मान करदे किंबा जहाँ को जो व्यवहार करने कथा नुहे जहाँ को जो कथा कहवा कथा नुहे कही कितु बुझीपारि ना यहाँ कह ठीक नुहे अनु मान पछे पछे ताप मान दुख दुखरे रहा चापग्रस्त हवा दुखित हवा ताकू अनुताप कहते जीवन रे भूल आसे किंतु भल आम को मार्गदर्शन करे भूल हो दुख करिवार किछि नाही किंतु भूल थरे हो जीवन रे केबे आउ भूल न हो एथिपई बारंबार बारंबार निज को संकल्पबद्ध करिवा दरकार प्रायश्चित शब्द द्वारा आमे एतिकि चिंतन करू भूल हुए तो स्वतः हो जाइछि किंतु विचारपूर्वक चिंतनपूर्वक एवं प्रयत्नपूर्वक आउ जेमिति से भूल द्वितीय बार न हुए एक कथा को सब बेले मने रखिबा दरकार काहिंकि ना शास्त्र रे जो नियम कुहा जाइछि से होचि लक्ष्मण रेखा जहाँ को आम रामायण शब्दटा कहू लक्ष्मण रेखा काहिंकि ना लक्ष्मण से रेखा बांधिथिले सीतांकु कहिथिले जे ताकु अतिक्रमण करिबा उचित नुहे ठीक शास्त्र रे आमकु एक रेखापात करिछि सत्यम वद धर्मम चर केबे कुहा जाइने असत्यम वद अधर्मम चर सत्य कहिबा धर्म आचरण करिबा जदि केतबेले मु असत्य कहि देली कोनसी स्वार्थवशत संगे संगे अनुताप करी प्रायश्चित करी संकल्पबद्ध हेबी एवं ईश्वर पाखरे प्रार्थना करी भवु थरे ये भूल हो जाइछि सिना किमिति द्वितीय बार जेमिति न हो मो द्वारा केही कष्ट न पाऊ ताहा ही पाप पुण्यर संज्ञा निर्भर करे काहिकि जानिछथि आया प्रथम कथा होउछि परकु कष्ट दबाटा पाप परर उपकार करिबाटा होउछि पुण्य पुण्य पापर बड़ संज्ञा किसी ना आज्ञा से कहले व्यासस्य वचनम द्वयम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परम
ଯଦି କେତେବେଳେ ମୁଁ ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଏ ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନ ହେଉ, ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରେରଣା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଥରେ ହେଇଛି ସେ କଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଯୋଗ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ଶିଖାଅ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିତ ହେବି ନାହିଁ। ବାଃ, ଚମତ୍କାର କଥା, ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ଖୁସୱନ୍ତ ସିଂ, ଅନ୍ୟତମ ଧାଡ଼ି, ପାପ ଏକ ଏମିତିକା ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଯାହା ପାଖରେ ଡଷ୍ଟର୍ ନଥାଏ, ନିଜ ଅନୁତାପର ଲୁହରେ ସେ ଅକ୍ଷର ସବୁକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହଉ ମଧୁମୟ, ଜୀବନ ହଉ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ ମହକି ଯାଉ, ସଞ୍ଚରି ଯାଉ ପବନରେ। ଏବେ ରୋନା ଝିଅ ଆମର ବସିକି ଖାଲି ଶୁଣୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଡ଼ୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୋଟେ ଭାବର ଭଜନ ଗାଆନ୍ତୁ। ସିଂହାସନ ତଳେ ବସି ଗୁନ୍ଥିବି ଦୟଣା ମାଳ ଦେ ତୁଳସୀ, ତୋର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ବସି ଗୁନ୍ଥିବି ଦୟଣା ମାଳ ଦେ ତୁଳସୀ, ଗୁନ୍ଥିବି ଦୟଣା ମାଳ ଦେ ତୁଳସୀ କାଳି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସ୍ୱରର ମଧୁରତା ବାଣ୍ଟି ଚାଲ ମା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ୱରର ସେବା ଦଉଥା। ନନା, ହଁ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଜି ତିଥିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିବା ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କଠାରୁ। ଆଜି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ
नवमी तिथि मंगलवार 28 तारीख आज राति 4:19 पर्यंत नवमी तिथि अछंति एवं 4:19 परे दशमी तिथि आज जाउचंति ये एकदिष्ट हेले जेमिति आमे एकादशी द्वादशी एकदिष्ट सप्तमी अष्टमी एकदिष्ट सेहिभली भावरे आज एकदिष्ट होइचंति फळरे पार्वण श्राद्ध आज होउची नवमी तिथि जमिति मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर आविर्भाव तिथि नवमी माँ दुर्गांकर जेभली भावरे आविर्भाव तिथि नवमी आज नक्षत्र होउचंति रोहिणी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र 7:19 पर्यंत रहिबे एवं तत्परे हिजिबे मृगशिरा नक्षत्र आज घातबार होउचि मकर राशि महाप्रभु जगन्नाथ उद्देश्य रे तुलसी माला अर्पण कले एही घातबारर मध्य सिद्धि बा तार सार्थकता बा निजर जो असुविधा दूर हो जाए दर्शक बंधु आज दिन तीनोटी कथा अछि गोटे होउचि आज होउचि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक पदार्थ विज्ञानी सीवी रमणकर जो नोबेल लॉरेट भावरे नोबेल पुरस्कार प्राप्ति होइथिले पदार्थ विज्ञान रे आज से ही नोबेल लॉरेट को स्मरण करी आज होउची विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज आउ गोटे कथा अछि जहाँ ताहा होउची प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद आज हूँ तिरोधान दिवस 1950 मसीह 1962 मसीह पर्यंत दीर्घ 12 वर्ष काल जे राष्ट्रपति होते यह सौभाग्य कहा जीवन में घटना आज दिन में तिरोधान दिवस यह व्यतीत ओडिशार जड़े विशिष्ट वीर जी हूँ सुरेन्द्र साय सुरेन्द्र साय आज हूँ तिरोधान दिवस आज आम निश्चित भाव स्मरण करवा विज्ञान दिवस को एवं राजेन्द्र प्रसाद उद्देश्य तत्सहित सुरेन्द्र साय उद्देश्य जान लें आज तिथि महात्म्य आज तिथि कौ कौ महात्मा जन्मग्रहण करते अखंड भारतीय संस्कृति विज्ञान कौ प्राचीन कालर समृद्ध था जितेबले अखिल विश्वर विज्ञानी कही नथिले सूर्य स्थिर पृथ्वी ता चारिपटे घूरुचंती सेतेबले भारतीय प्राचीन शास्त्र कहुतिले स्थिरा भाति चला पृथ्वी सूर्य स्थिर पृथ्वी घूरुची एक आम कही जितेबले पृथ्वीर आकार को समस्ते चेप्टा बोली भाविते सेतेबले आम शास्त्र कहुला कपित्थ फलवत विश्वम पृथ्वी किछि नुह कही था फल भली तार हजार हजार वर्ष पर विज्ञान कहला जो पृथ्वी कमला लेंबू परी गोल भारतवर्ष विज्ञान अत्यंत प्राचीन विज्ञान रे भारतवर्ष समृद्ध आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपण मानक भितरे विज्ञान प्रति श्रद्धा ओ अनुराग तयारी करू एबे समय हिची ओडिसा रो कोण अनुकोण रे कोण कोण आध्यात्मिक घटनावली सब घटीची ता उपरे नजर पकेबा समय आध्यात्मिक परिक्रमा पुरी जिला निमापड़ा अंतर्गत धनुआ पंचायतर बणिया साहिठारे ग्रामर आराध्य देवता गोपीनाथ देवों प्रांगण में दीर्घ वर्ष होब अष्टप्रहर व्यापी नामयज्ञ उत्सव अनुष्ठित होयासुचि तीन दिन धरी अनुष्ठित होता यह आध्यात्म उत्सव पर गाँटी उत्सव मुखर हो उठे ठाकुरों धला रंगर मंदिर यही समय अति सुंदर भाव में सजाई दि जाए मंदिर परिसर नाम मंडप को अति सुंदर भाव साजसजा कराए भक्त मैंने 8 प्रहर धरी झांज मृदंग आदि बादन करी हरिनाम गान करी मंदिर ठाकुर को यह अवसर में विमान विजे करी उत्सवस्थल विराजमान कराए आखपाख 10 खंड ग्रामर भक्त यह उत्सव में जोगदे ठाकुर कृपा भिक्षापाई प्रार्थना करते भुवनेश्वर शहीद नगर अंतर्गत सत्संग विहार परिसर में ठाकुर श्री श्री अनुकूलचंद्रंकर 135वां जन्म महोत्सव अनुष्ठित हो जाइछि प्रतिवर्ष परि ए वर्ष मध्य प्रभातर उषा कीर्तन वेद मांगलिक प्रार्थना आदि अनुष्ठित होइथिला परे परे मध्याह्न रे सत्संग अनुष्ठित होइथिला श्री श्री ठाकुरंकर ऋषि परंपरा उपरे पर्यवेक्षित सत्संग आंदोलन आज विश्वरे शांतिर फलकु बिछुरी देइछि से आचार्य परंपरा आधार रे अनुष्ठित ए सत्संग हजार हजार भक्त श्रद्धालु को आकर्षण करथिला एही महोत्सव रे बहु विज्ञ व्यक्तिविशेष सहित श्री श्री ठाकुर सहप्रतिनिधि माने उपस्थित होई दिव्य वचन प्रदान करथिले
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କୌଡ଼ିକୋଲ ଗ୍ରାମର ଅନାଦି ଗୀତାଶ୍ରମଠାରେ କୁନ୍ଦଳ କୌଡ଼ିକୋଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଗୀତାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଶୁଭାଦିବାସ, ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, କଳସ ଯାତ୍ରା, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୀତା ପାରାୟଣ ଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ପୂଜା, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଜଳଛାୟା ଆଦି କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନନା, ଏବେ ଯିବା ମଞ୍ଜ କଥା। ଆଜି ମଞ୍ଜ କଥାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ମଞ୍ଜ କଥାରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? କ'ଣ କାଲି ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ? ଶୁଣୁ ନା, ଦୁଇ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋତେ ଟିକେ ଗୀତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅହଂକାରୀ ହୁଏ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଧାଏ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଧନ ଥିବ ପାଖେ ଯଦି ନ କରିବ ଦାନ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, କର୍ମ ଦୋଷେ ମିଳିବ ଟି ବହୁ ଅପମାନ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ସରଳ କପଟହୀନ ହୁଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଧନ ବଢ଼େ ଧନ ବଢ଼େ ବଢ଼େ ତା ସମ୍ପତ୍ତି। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ। ଆଜ୍ଞା, ମଞ୍ଜ କଥାରେ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଆପଣ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହେବା ଦରକାର, ସଂସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନବ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଅଛି, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ ତିଥିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।